हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 9, द स्पूकी नाइट। स्पूकी का मीनिंग क्या होता है? स्पूकी का मीनिंग होता है डरावनी। ठीक है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ स्टेटमेंट है, इसे पढ़ लेते हैं। ओल्ड बिल्डिंग्स एंड रुइंस कैन बी डेंजरस प्लेसेस टू गो टू, स्पेशली इन द डार्क। यू नेवर नो वॉट यू वुड फाइंड देयर। ज़्यादातर जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं या फिर खंडर जो होते हैं, रुइंस का मतलब होता है ऐसी बिल्डिंग्स जो टूट चुकी हों, खंडर हो चुकी हों मेनली। ठीक है, ऐसी प्लेसेस ज़्यादातर डेंजरस होती हैं। ठीक है, और स्पेशली ऐसी जो जगहें होती हैं वो रात में बहुत ज़्यादा डरावनी लगती हैं। ठीक है, डरावनी होती हैं। तो आपको नहीं पता होता कि इन सब जगहों पर क्या मिल सकता है। दैट इज़ वाई एल्डर्स वॉर्न चिल्ड्रेन अबाउट गोइंग टू सच प्लेसेस। और इसीलिए जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, एल्डर्स का मतलब हो गया हमसे बड़े। ठीक है, जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी है ना, कोई भी हमारे एल्डर्स हैं, वो हमें वॉर्न करते हैं। ठीक है, हमें चेतावनी देते हैं कि ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हैव यू एवर फेल्ट लाइक गोइंग टू सच अनयूज प्लेसेस और बिल्डिंग्स जस्ट टू एक्सप्लोर? क्या आप लोगों ने कभी, आप लोगों की कभी इच्छा हुई है कि इस तरह की खंडर भरी जगहों पर जाने का मन किया हो? ठीक है, तो मेनली हम ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड करते हैं। चलिए, लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट थ्री चिल्ड्रन, हेनरी, गैरेथ एंड मैरी, हु गो टू अ प्लेस दैट इज़ आउट ऑफ बाउंड्स फॉर देम। तो ये स्टोरी है तीन बच्चों के बारे में, जिसमें नाम है हेनरी, गैरेथ और मैरी। ठीक है, जो कि तीनों जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जाना मना है। हेनरी, वेयर हैव यू ब्रॉट अस? आई एम श्योर यू आर नॉट सपोज टू बी हियर। अब एक बच्चा कहता है कि हेनरी, तुम हमें कहाँ पर लेकर के आए हो? मुझे बिल्कुल श्योर हूँ मैं कि हमें ऐसी जगह पर आना नहीं चाहिए। चिल आउट, डोंट बी सच अ बेबी, इट्स जस्ट अ पार्क। हेनरी कहता है, अरे चिल करो, ठंड पाओ भाई, ये जगह जो है ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जगह जो है ख़तरनाक या बेकार है, ये सिर्फ एक पार्क है। ठीक है, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। डोंट बी सच अ बेबी का मतलब हो गया बच्चों की तरह मत बिहेव करो। This is the abandoned park, isn't it? We are not allowed to play here. वो कहता है, वो जो भी है वो कहते हैं कि ये एक abandoned park है। Abandoned का मतलब होता है जहाँ पर अब कोई नहीं आता है। ठीक है, जो अब हमेशा खाली रहता है उसको हम abandoned बोलेंगे। तो बोलते हैं कि ये तो एक abandoned park है ना, और जहाँ तक है हमें यहाँ पर खेलना अलाउड नहीं होगा, हम यहाँ पर नहीं खेलेंगे। इट्स नॉट अबैंडन्ड, इट्स जस्ट दैट नोबडी कम्स हियर एनीमोर। फिर हेनरी कहता है कि अरे ये अबैंडन्ड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब कोई नहीं आता, अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको अबैंडन कर दिया गया है। वेल, इट कांट बी दैट बैड, परहैप्स हेनरी इज राइट, वी कैन प्ले हियर आफ्टर ऑल, इट डज नॉट सीम्स डेंजरस। अब एक बच्चा कहता है कि हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इतना भी बुरा हो ये पार्क जहाँ तक है। परहैप्स का मतलब हो गया शायद। ठीक है, शायद हेनरी सही बोल रहा है, हम यहाँ पर खेल सकते हैं। ठीक है, और अभी तक तो फिलहाल ये जगह जो है डेंजरस यानी खतरनाक नहीं लग रही है। गैरेथ स्टिल वॉजन श्योर बट ही फॉलोड हेनरी एनी वे। अब जो गैरेथ होता है वो श्योर नहीं होता है, फिर भी वो हेनरी के पीछे पीछे जाने लगता है। द चिल्ड्रेन सून फाउंड अ स्लाइड एंड स्विंग सेट, द स्विंग वॉज रैप्ड अराउंड द मेटल पोल एज इफ इट हैडन्ट बीन यूज्ड इन ईयर्स। अब बच्चे जो हैं थोड़ी देर में एक झूले के पास पहुँचते हैं, स्विंग के पास पहुँचते हैं। ठीक है, ये एक पोल है, दिख रहा होगा आप लोगों को पोल, और इसमें लोहे की जंजीर है ऐसे ऐसे करके बंधी हुई है, और ये स्लाइड दिख रही है ना। ठीक है, तो मेनली एक झूला है जो कि एक मेटल पोल से बंधा हुआ है, तो ऐसा देख करके इसको लग रहा है कि बहुत सालों से ये यूज़ में नहीं रहा है। अब एक ये जो है मैरी कहती है, आई एम गोइंग टू बीट बोथ ऑफ यू टू इट। मैरी कहती है, मैं उसके पास पहुँच जाऊँगी और मैं तुम दोनों को पीछे छोड़ दूँगी, मतलब मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचूँगी। कम ऑन, आई विल रेस यू टू द स्विंग। फिर एक और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा और चलो रेस लगाते हैं हम लोग। ग्रेट आइडिया, हु एवर लूजेस हैज टू अनरेवल द चेन। फिर एक कहता है कि बहुत बढ़िया आइडिया है, जो भी वहाँ पर आखिरी में पहुँचेगा उसी को ये चेन जो है हटानी होगी। अनरेवल का मतलब होता है
होता है हटाना, ठीक है. लुक एट द मून, आई डोंट रिमेंबर इट बींग सो हेजी. मैरी कहती है कि चांद को देखो, मुझे ये तो याद भी नहीं है कभी कि वो इतना ज़्यादा हेजी होता है. हेजी लगता है, हेजी का मतलब हो गया धुंधला, ठीक है. इट इज़न्ट यूजली दैट बिग. फिर ये कहता है कि हाँ, ज़्यादातर तो चांद इतना बड़ा तो हमने नहीं देखा, इतना बड़ा तो नहीं होता है. इट मस्ट बी अ सुपर मून. फिर एक कहता है, ये कहता है कि जहाँ तक है ये सुपर मून है. दैट इज़ वेन द मून इज़ एट इट्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू द अर्थ, सो इट लुक्स बिगर इन द स्काई. वो ऐसा सुपर मून इसलिए बताता है क्योंकि सुपर मून जो होता है, आप लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि जो सुपर मून होते हैं वो अर्थ से सबसे ज़्यादा पास होते हैं, ठीक है. जब मून भी अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, ठीक है, तो जब मून अर्थ के सबसे ज़्यादा पास होता है तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा दिखता है, ठीक है. और ऐसे चांद को ही हम सुपर मून बोलते हैं, ठीक है. और ये आसमान में बहुत बड़ा दिख रहा होता है. द चिल्ड्रन कंटिन्यू टू प्ले अराउंड द स्विंग्स एंड स्लाइड, डांसिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड टेलिंग स्टोरीज इन टू द नाइट. हेनरी लुक्ड अप एट द मून एंड सॉ क्लाउड्स पास ओवर. ही फेल्ट समथिंग वॉज रॉन्ग. अब सभी बच्चे वहाँ पर पार्क में खेलने लगते हैं, स्विंग के आसपास, स्लाइड्स पे डांस कर रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, कहानियाँ सुना रहे होते हैं रात में. फिर तभी हेनरी जो है मून पे ऊपर चांद की तरफ देखता है और देखता है कि किस तरीके से बादल जो हैं चांद के ऊपर से जा रहे हैं. उसे कुछ वहाँ पर गड़बड़ लगती है. हेनरी, दिस इज़ बैड. वी आर डेफिनेटली नॉट अलाउड टू बी हियर. इट कुड बी डेंजरस. फिर जो गैरेथ है वो कहता है कि हेनरी, ये गलत बात है, ये बुरी बात है. डेफिनेटली हमें वहाँ पर अंदर अलाउड नहीं है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, यानी खतरनाक लग रहा है. ओ, दिस इज़ द अबैंडन्ड हाउस. हेनरी कहता है कि अरे नहीं नहीं ये तो सिर्फ एक अबैंडन्ड यानी खाली पड़ा हुआ घर है. इफ़ वी डोंट गो होम नाउ वी विल ऑल बी इन ट्रबल एंड वी वोंट बी अलाउड टू प्ले टुगेदर अगेन. फिर गैरेथ कहता है कि अगर हम अभी घर वापस नहीं जाएंगे तो हम सभी ट्रबल में आ जाएंगे, यानी मुसीबत में पड़ जाएंगे, और उसके बाद फिर हमें कभी भी एक साथ खेलने के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे हमारे मम्मी पापा. रिलैक्स, वाई बी स्केयर्ड ऑफ सम ओल्ड रूइंस. तो जो हेनरी है वो कहता है कि अरे रिलैक्स करो, इतना भी क्या स्केयर होना, यानी इतना भी क्या डरना एक पुराने खंडहर से. फिर क्या होता है, हेनरी इग्नोर्ड गैरेथ. He found a hammer and started bashing the ground. Gareth waited near the house, too scared to go inside. तभी हेनरी जो है जब वो अंदर चला जाता है तो हेनरी गैरेथ की बात को सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देता है. गैरेथ उसको समझा देता है, अरे नहीं नहीं अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ. पर हेनरी कहता है अरे मैं तो जाऊँगा, और उसकी बात को इग्नोर करके अंदर चला जाता है. वहाँ पर उसे एक हैमर मिलता है. हैमर का मतलब हो गया हथौड़ा, और वो ज़मीन को बैश करने लगता है, यानी हथौड़े से मारने लगता है. गैरेथ वेटेड नियर द हाउस. गैरेथ जो है उस घर के पास ही खड़ा होता है और वो अंदर जाने से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है. आई हैव फाउंड समथिंग, आई थिंक इट इज़ एन ओल्ड फैशन सेफ. देयर माइट बी मनी इन साइड. गैरेथ, गिव मी सम हेल्प. हेनरी कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ मिला है, मुझे ये एक पुराने ज़माने की सेफ लग रही है. सेफ माने कोई भी संदूक हो गई, ठीक है, और शायद इसके अंदर पैसे हो सकते हैं. गैरेथ यहाँ आओ और मेरी मदद करो. गैरेथ, वेयर आर यू. यानी कि गैरेथ ने कोई जवाब नहीं दिया और वो गैरेथ को दोबारा से आवाज़ लगाता है कि गैरेथ कहाँ हो तुम. सडनली अ वाइट शीट विद होल्स अपीयर्ड. ओ, गो अवे, गो अवे. तो तभी अचानक से वहाँ पर एक वाइट शीट में होल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से होल्स होते हैं, और ये अचानक से सामने आती है और फिर इसमें से आवाज़ आती है कि अरे कौन हो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ. तभी दूसरे लोग कहने लगते हैं भूत 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 भूत, ठीक है. वो आगे क्या होता है, सडनली अ क्लस्टर ऑफ वैम्पायर बैट्स फ्लू पास्ट मेकिंग अ ह्यूज शैडो क्रीप अक्रॉस द रुइंस. और तभी अचानक से बहुत सारे वैम्पायर्स, यानी कि ये जो बैट्स होते हैं, ठीक है, चमगादड़ होते हैं, वो वहाँ से निकलते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ करते हुए निकलते हैं उस खंडर के अंदर से. नो ग्रेथ, गेट मी आउट ऑफ हियर. और हेनरी जो है ये सब देख करके डर जाता है और वो ग्रेथ को चिल्लाने लगता है कि मेरी मदद करो. द नेक्स्ट डे हेनरी टोल्ड द स्टोरी टू द रेस्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन, रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स. तो अगले दिन हेनरी जो भी उसके साथ रात में हुआ ये सारी जो कहानी है वो अपने फ्रेंड्स को बताना स्टार्ट करता है.
अब ये कॉन्वर्सेशन है, तो सबसे पहले इसमें से हम कॉन्वर्सेशन पढ़ेंगे, ये वाली, यानी कि हेनरी अपने सभी दोस्तों को बता रहा है. क्या बताता है? आई थॉट माई लाइफ वॉज इन डेंजर बट आई वॉज वेरी ब्रेव. हेनरी कहता है मुझे तो लगता था उस समय कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में है, डेंजर का मतलब होता है खतरा, पर मैंने बहुत बहादुरी से, ब्रेव का मतलब हो गया बहादुरी, तो मैं बहुत बहादुर रहा कल. फिर मैरी कहती है No, you were not. I saw the fright in your eyes. The ghost, it was me wearing a sheet. तो मैरी कहती है नहीं नहीं, तुम तो डरे हुए थे, मैंने तुम्हें देखा था कि तुम ब्रेव नहीं थे, तुम तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, मैंने तुम्हारी आँखों में देखा था. और रही बात उस घोस्ट की, तो वो घोस्ट मैं ही थी जिसने शीट पहनी हुई थी, यानी मैंने ही वो चादर ओढ़ी हुई थी, यानी कि ये जो घोस्ट आपने अभी ऊपर देखा वो और कोई नहीं, वो मैरी थी जो हेनरी को डराने आई थी. फिर हेनरी कहता है बट वॉट अबाउट द मून. फिर नो बडी कुड आंसर. हेनरी कहता है पर मून के बारे में बताओ भाई, मून इतना क्यों बड़ा दिख रहा था, मून इतना क्यों डरावना दिख रहा था, और इस बात का जवाब कोई भी नहीं दे पाता है. तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था. आई होप आप सभी को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. द चिल्ड्रन वर टेकन टू द ओल्ड पार्क बाय डैश. तो बच्चों को ओल्ड पार्क में कौन लेकर के गया था? हेनरी लेकर के गया था. द चिल्ड्रन फाउंड डैश इन द पार्क. बच्चों को क्या दिखा था पार्क में? बच्चों को एक स्विंग सेट दिखा था और एक स्लाइड दिखी थी. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, स्विंग सेट एंड स्लाइड. हेनरी थॉट समथिंग वॉज रॉन्ग वेन डैश. हेनरी को लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है. कब लगा था? जब उसने बहुत बड़ा चांद देखा था और चांद के ऊपर से बादल जा रहे थे, है ना. तो ही सॉ द मून गो बिहाइंड द क्लाउड्स. चलो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. वॉट डज गैरेथ से टू हेनरी अबाउट गोइंग टू द पार्क. तो गैरेथ हेनरी से क्या कहता है पार्क के, पार्क जाने के बारे में? तो गैरेथ उसको क्या बोल रहा होता है? गैरेथ टेल्स हेनरी टू रिलैक्स एंड क्वेश्चंस व्हाई दे शुड बी स्केयर्ड ऑफ द ओल्ड रुइंस. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू. व्हाई वर दे नॉट सपोज टू गो टू दैट पार्क. उनको क्यों नहीं जाना चाहिए था उस पार्क में? दे वर नॉट सपोज टू गो टू दैट पार्क बिकॉज इट वॉज अबैंडन्ड एंड अनसेफ. क्योंकि वो पार्क अबैंडन्ड था और वो सेफ भी नहीं था. Describe the moon as seen by the children. तो moon को describe करना है. The moon appeared hazy and unusually large. यानी कि वो धुंधला दिख रहा था और size में बहुत ज़्यादा बड़ा भी था. Why was the moon looking bigger than usual? अब moon इतना बड़ा क्यों दिख रहा था? The moon looked bigger than usual because it was a supermoon when the moon is closest to earth. yani ki wo supermoon tha. supermoon kab aata hai? jab moon earth ke sabse zyada paas hota hai. what did the children do in the park till it was time to go home? to bacche park mein kya kar rahe the jab tak wo ghar nahi gaye the? to the children played in the park swinging and sliding, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड टेलिंग स्टोरीज. तो सभी पार्क में खेल रहे थे, स्लाइड्स में झूल रहे थे, गाने गा रहे थे और एक दूसरे को कहानियाँ सुना रहे थे. वाई डिड हेनरी फील दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. हेनरी को क्यों फील हुआ कि कुछ गलत हो है? तो हेनरी फेल्ट समथिंग वॉज रॉन्ग वेन ही सॉ क्लाउड्स पास ओवर द मून. जब उसने देखा कि जो क्लाउड्स हैं वो मून के ऊपर से जा रहे हैं, तब उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है. What did Henry find inside the abandoned house? Henry को क्या मिला था उस खाली घर के अंदर? उसको मिला था एक old fashioned safe. तो आंसर हो जाएगा Henry found an old fashioned safe inside the abandoned house. Why did Henry scream when he was inside the abandoned house? Henry screamed when he saw a white sheet with holes, thinking it was a ghost, and then saw a cluster of empire bats. तो हेनरी इसलिए चिल्लाया था क्योंकि उसने वाइट घोस्ट भी देख लिया था और इसके अलावा उसने वेम्पायर भी निकलते हुए देख लिए थे बहुत सारे. What does Mary tell Henry the next day? Mary Henry को क्या बताती है? Mary tells Henry that the ghost was her wearing a sheet. Mary बताती है कि ghost वही थी जिसने sheet यानी चादर ओढ़ी हुई थी. Now coming to reference to context. I have found something. मुझे कुछ मिला है. Who is the speaker? किसको मिला था कुछ?
हेनरी को मिला था जब वो सेफ घर के अंदर गया था, उसे सेफ मिली थी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा द स्पीकर इज हेनरी। वॉट वॉज द स्पीक वॉट हैज़ द स्पीकर फाउंड, स्पीकर को क्या मिला है। द स्पीकर फाउंड एन ओल्ड फैशनड सेफ, तो स्पीकर को एक ओल्ड फैशन सेफ मिली थी। वॉट डज द स्पीकर डू नेक्स्ट, स्पीकर क्या करता है। द स्पीकर आस्क गैरेथ फॉर हेल्प, स्पीकर गैरेथ को की मदद मांगता है। आई थॉट माई लाइफ वॉज इन डेंजर बट आई वॉज वेरी ब्रेव, मुझे लगा कि मेरी लाइफ जो है बहुत डेंजर में है पर फिर भी मैं बहुत बहादुर था। तो ये बात किसने कही थी, ये बात तो कही थी हेनरी ने, है ना। तो हु सेज दिस एंड टू हुम, तो ये बात किसने कही थी और किससे कही थी। तो हेनरी सेज दिस टू हिज फ्रेंड्स द नेक्स्ट डे, तो हेनरी ने ये बात अपने दोस्तों को कही थी अगले दिन जब वो सबको कहानी बता रहा था रात की। वाई डज द स्पीकर थिंक हिज और हर लाइफ वॉज इन डेंजर, स्पीकर को क्यों लगा कि उसकी जो लाइफ है वो डेंजर में है, क्यों लगा था। हेनरी थॉट हिज लाइफ वॉज इन डेंजर वेन ही एनकाउंटर्ड द घोस्ट एंड बैट्स, तो हेनरी को उसकी लाइफ डेंजर में तब लगी थी जब उसने घोस्ट और बैट्स देख लिए थे। What happens after the speaker says this line? उसका जब स्पीकर ने ये जो ऊपर वाली लाइन्स बोली थी इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद मैरी ने बताया था कि वही शीट पहन के घोस्ट बन के आई थी, है ना। तो आफ्टर हेनरी सेज दिस मैरी टेल्स हेनरी दैट द घोस्ट ही वॉज वेयरिंग अ दैट द घोस्ट वॉज हर वेयरिंग अ शीट, मैरी ने बताया था कि वही घोस्ट थी। चलिए अब थिंक एन आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कूल में शायद ये सेक्शन ना कराया जाए, तो अदर क्लासेस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है जिनके भी कोर्स में अगर ये चैप्टर है और इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आइए हम लोग कर लेते हैं। शुड द चिल्ड्रन हैव गॉन टू द पार्क, वाई और वाई नॉट, क्या बच्चों को पार्क में जाना चाहिए था, अगर जाना चाहिए था तो क्यों हाँ या फिर क्यों ना। तो नो द चिल्ड्रन शुड नॉट हैव गॉन टू द पार्क बिकॉज इट वॉज अबैंडन्ड एंड अनसेफ, नहीं बच्चों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वो अबैंडन्ड था और अनसेफ था। वॉज हेनरी रियली ब्रेव, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, क्या हेनरी सही में वाकई में ब्रेव था। हेनरी वॉज नॉट रियली ब्रेव, हेनरी ब्रेव नहीं था। ही वॉज फ्राइटेंड बाई द घोस्ट प्रैंक एंड द बैट्स, वो डर गया था जो घोस्ट का प्रैंक हुआ था, जो उसके साथ मजाक हुआ था उससे और बैट्स को देख करके। Would you have gone inside the abandoned house if your friend had asked you to? What would you have done? अगर आपके आप जाते, अगर आपको कोई फ्रेंड आपसे कहता कि चलो, और आप क्या करते ऐसे में। No, I wouldn't have gone inside the abandoned house. I would have said no at once. नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाता और मैं एक बारी में ही मना कर देता। Why did Mary and Gareth pull a prank on Henry? Were they trying to teach him a valuable lesson? तो मैरी और गैरेथ ने जो हेनरी के साथ जो प्रैंक किया था वो क्यों किया था, क्या वो उसको एक लेसन सिखाना चाहते थे, क्या उसको सबक सिखाना चाह रहे थे। तो मैरी एंड गैरेथ पुल्ड अ प्रैंक ऑन हेनरी टू स्केयर हिम एंड टीच हिम अ लेसन अबाउट द डेंजर्स ऑफ एंटरिंग एन अबैंडन्ड हाउस। तो हाँ, वो उसको प्रैंक कर रहे थे और उसको डराना चाहते थे, उसको लेसन सिखाना चाहते थे कि ऐसे खाली घर में जाने के क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं। इफ़ मैरी एंड गैरेथ हैड पुल्ड अ प्रैंक ऑन हेनरी देन वाई डिड दे हैव नो आंसर अबाउट द साइज इन द अपियरेंस ऑफ द मून, वॉट कुड बी द रीज़न फॉर दैट। अगर मैरी और गैरेथ ने ये प्रैंक किया था, ठीक है, तो भी उनके पास मून के साइज़ का इतना बड़ा होने का कोई जवाब क्यों नहीं था, ठीक है, और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो मैरी एंड गैरेथ डिड नॉट हैव आंसर्स अबाउट द मून बिकॉज दे वर फोकस्ड ऑन पुलिंग द प्रैंक एंड डिड नॉट पे अटेंशन टू द मून्स अपीयरेंस। दे माइट हैव अवॉइडेड डिस्कसिंग द मून टू मेंटेन द मिस्ट्री ऑफ देयर प्रैंक। तो मैरी और गैरेथ ने मून के बारे में कोई जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मेनली वो ज़्यादा फोकस थे प्रैंक करने में, ठीक है, मजाक करने में, घोस्ट वाला मजाक करने में, ठीक है, और उन्होंने मून की अपेयरेंस को देखा नहीं होगा शायद उस टाइम, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने इस डिस्कशन में मून के बारे में मे बी इसलिए भी ना बात करी हो जिससे कि इस कहानी की मिस्ट्री जो है वो बरकरार रहे। मिस्ट्री का मतलब हो गया इसमें आगे क्या होता है वो ना पता चल पाए, तो इस तरीके से ये कहानी जो है यहीं पर एंड हो जाए।
तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए होंगे, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।